नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आपकी अपने चैनल जो है अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा टैली प्राइम, और आज का क्लास 8 है और हम सीखने वाले हैं परचेज की एंट्री हम किस तरीके से टैली प्राइम में कर सकते हैं। जो हमें मिलता है इनवॉइस दोस्तों आइटम वाइज हमें मिलता है और अलग अलग रेट्स वगैरह होते हैं, तो किस तरीके से ऑटोमेटिक जीएसटी लेगा और कैसे इसकी एंट्री होगी वो हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास देखने के बाद मुझे नहीं लगता दोस्तों कि परचेज की एंट्री में आपको कभी भी दिक्कत आएगी, तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको टैली सीखना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों परचेज की एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपको जीएसटी को अनेबल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ही खड़े रहते हुए F11 प्रेस करना है और यहाँ पे जो टैक्सेशन के अंदर में अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स में सब डिटेल्स डालनी है, आपकी कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, वेंडर की नहीं डालनी है। सो यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल्स डालनी है और इसको हमें क्लोज करना है या फिर इसको आप सेव कर लीजिए या फिर कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे एंटर करते हुए फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा जो जीएसटी था वो एप्लीकेबल कर दिया है, ऑन कर दिया है। अभी हम करेंगे परचेज की एंट्री। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है वाउचर्स में, तो आपको गेटवे ऑफ टैली में से ही वी प्रेस करना है। यहाँ पे देख सकते हो हम जो वाउचर में है वो पेमेंट का है, हमें एंट्री करनी है परचेज की। तो यहाँ पे हमें F9 प्रेस करना है या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके परचेज के वाउचर में जा सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा परचेस वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में है नंबर, तो यहाँ पे हमें इनवॉइस नंबर डालना होता है। बट मान लो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, माने कि ये जो डिटेल है वो डिसेबल है, तो आप किस तरीके से करेंगे इसको अनेबल, तो हम एस्केप करते हैं दोस्तों और यहाँ पे करते हैं अल्टर में जाते हैं और यहाँ पे हम वाउचर टाइप में जाते हैं। वाउचर टाइप में हम लोग यहाँ पे परचेस के वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंटर करते, तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में मैन्युअल डालेंगे, एंटर करेंगे और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग अभी एस्केप करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में से वाउचर में चले जाते हैं। यहाँ पे आपका ये जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगा, माने कि नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो हम हमारे इनवॉइस में देखते हैं 2356 है, 2356 है, यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें डेट मेंशन करनी है, तो इनवॉइस में जो डेट है वो 19 दिसंबर है, तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, 19 दिसंबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेट चेंज हो गई है। इसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये जो नंबर है वो सेम ही रहेगा, बट मान लो आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर आपके वाउचर में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल में आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको दिखेगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2356 और इसके बाद में जो डेट है वो सेम ही रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे आपको पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखेंगे, जो भी आपने लेजर्स बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखेंगे। तो अभी हमारा जो वेंडर है उसका नाम है वो केमार्ट है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो केमार्ट करके हमें कोई वेंडर हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। तो अभी हम लोग पहले वेंडर को क्रिएट करेंगे, वेंडर का लेजर बनाएंगे और उसमें उसकी पूरी डिटेल्स डालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे ही पार्टी अकाउंट के यहाँ पे ही खड़े रहते हुए हम करेंगे अल्ट सी और यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे केमार्ट, यहाँ पे नेम में आपको डालना है केमार्ट एंड कंपनी, यहाँ पे अलियाज में कुछ नहीं करना। एंटर करते हुए आपको अंडर में आना है और लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। अभी जो ये केमार्ट है वो हमारा लेनदार है, माने कि हमने उनसे जो माल है वो खरीदा है, इसीलिए वो हमारा लेनदार है और लेनदार को इंग्लिश में हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ पे SU प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा दोस्तों। हम करेंगे एंटर करेंगे यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, नो ही रहने देंगे। इसके बाद में नेम डालेंगे और यहाँ पे उनका एड्रेस डालेंगे, तो एड्रेस हमारे इनवॉइस में होगा तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और हमारा जो ये डिटेल्स है लेजर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल अल्टर वी है, तो यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद में हम यहाँ पे हमारा जो स्टेट है वो गुजरात है, तो हमने वो सिलेक्ट कर दिया। जो भी आपका वेंडर का स्टेट होगा आपको सही सही ये जो स्टेट है वो मेंशन करना है। इसके बाद में पिन कोड डालेंगे तो 3800006 है। इसके बाद में मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स मेंशन कीजिए। प्रोवाइड कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपके पास उनकी कॉन्टेक्ट नंबर है तो यहाँ पे आपको नो की जगह यस करना है। यस करने के बाद आपको उनकी पूरी डिटेल्स डालनी है, माने कि वेंडर की पूरी डिटेल्स डालनी है। इसके बाद में अगर आपने यहाँ पे एंटर एंटर करते उसको सेव कर सकते हो। इसके बाद में अगर बैंकिंग की डिटेल्स है तो आप डाल सकते हो, या फिर एंटर एंटर करते हुए इसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपको जीएसटी वाला बिल मिला है तो आपको उसको रेगुलर में डालना है, और मानो कि जीएसटी वाला नहीं है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड पर्सन में डाल सकते हो। तो अभी हम उसको करेंगे रेगुलर क्योंकि हमें जीएसटी वाला बिल मिला है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर आपको डालना है, तो नंबर डालने के लिए हम लोग यहाँ पे उनका जो जीएसटी नंबर है वो ले लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल अल्टर वी करेंगे और जो हमारा जीएसटी नंबर है वो प्रेस कर देंगे। अगर आपका जीएसटी नंबर रॉन्ग होगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके से वार्निंग आएगा, आपको सही सही जीएसटी नंबर डालना है। इसके बाद में यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे और ये लेजर को हम करेंगे एसेट। तो हमारा जो पार्टी नेम है वो केमार्ट एंड कंपनी आ गया और ये लिस्ट में भी आपको दिखेगा। इसके बाद हम करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद रिसिप्ट डिटेल्स वगैरह में हम कुछ नहीं करेंगे अभी के लिए, इसको हम कंट्रोल ए करते हैं। पार्टी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछेगा, तो आपको सही सही देखना है, स्टेट सही सही होना चाहिए और जीएसटी नंबर एक बार चेक कीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस लेजर, तो अगर यहाँ पे हम आते तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में परचेस या सेल कोई भी लेजर बनाया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे ही और परचेस लेजर के यहाँ पे ही खड़े रहते हुए हम करेंगे अल्ट सी और परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो हम बनाएंगे परचेस अकाउंट, यहाँ पे एंटर करेंगे, अलियाज में कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे अंडर ग्रुप, उसका रहेगा हमेशा परचेस के अंडर में, उसका जो अंडर ग्रुप है वो परचेस ही आएगा, चाहे वो परचेस एग्जेम्प्टेड हो तो भी आपको परचेस के अकाउंट के अंडर में परचेस अकाउंट ही डालना है। इसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद में इस जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे हम स्टेटूटरी डिटेल्स में यहाँ पे ओनली एप्लीकेबल रहने देंगे, बाकी जो है वो आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में नो ही रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स डालना है, तो हमने यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद में ये लेजर को हम करते हैं एक्सेप्ट, तो हमारा परचेस अकाउंट भी हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों नेम ऑफ आइटम हमें डालना है। हमारे इनवॉइस में हम एक बार देख लेते हैं कि आईफोन 6s और आईफोन 11 जो है वो हमारे यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में दिख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ही खड़े रहते हुए अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो आइटम को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, कंट्रोल अल्टर वी कर देंगे, आईफोन 6s लिख देते हैं। यहाँ पे आप कलर्स या फिर रैम जो भी आपको डिटेल्स डालनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम करेंगे एंटर एंटर और यहाँ पे आपको अंडर में डालना है जो परसेंटेज है उसके, माने कि ये जो प्रोडक्ट है उसके कितने परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे लेने हैं। तो मानो कि ये जो प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज जीएसटी है वो 18% है, तो यहाँ पे हम लोग आइटम एट द रेट 18% कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आइटम एट द रेट 18% बना लिया है, तो आपको बनाना है। तो मानो कि अभी मेरा 5% से लगता, तो यहाँ पे ही खड़े रहते हुए हम अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे हम आइटम एट द रेट 5% कर लेंगे, अलियाज में कुछ नहीं करेंगे, अंडर डालेंगे, अंडर जो रहेगा वो प्राइमरी है और इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल ए करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको आइटम एट द रेट 5% करना है, बट हमारे ये प्रोडक्ट पे 18% लगा है तो हम 18% को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स पूछेगा, तो ये जो आईफोन 6s है वो हमें पीसीस में आया है तो हमने यहाँ पे पीसीस बना लिए है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे खड़े रहते हुए ही अल्ट सी करके बनाना है। तो मैं ये जो प्रोडक्ट है उसको बताती हूँ, जो पीसेस है मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और मुझे आपको दिखाना है या फिर एडिट करना है, अल्टर करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंबल में आपको पीसीएस लिखना है, फॉर्मल नेम आप पीसेस लिख सकते हो और आइटम क्वांटिटी कोड्स जो है जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ यूक्यूसीज दिख जाएगा, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एमटीआर मीटर्स कर सकते हो, लीटर्स वगैरह, जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
तो यहाँ पे हमारा पीसेस है तो हमने पीसेस सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल पीसेस में वन करके हम लोग यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे यूनिट्स भी आपका बन जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे और सीधा स्टेटरी डिटेल्स में चले जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे एप्लीकेबल जीएसटी रहेगा, इसके बाद में एंटर करेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में यहाँ पे हम करेंगे यस वाई प्रेस करेंगे और हम एंटर करेंगे। तो जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आपको जीएसटी के रिलेटेड डिटेल्स डालनी है। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी नहीं करेंगे, एंटर करेंगे और एचएसएन और एसएससी कोड जो भी रहेगा वो आपको डालना है, तो वो हमें हमारे इनवॉइस से मिल जाएगा। एचएसएन कोड जो है वो यहाँ पे से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल अल्टर वी करके पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में इज नॉन जीएसटी गुड्स तो यहाँ पे नो ही रहेगा। इसके बाद में और एक दूसरी बात, आपको एचएसएन और एसएससी कोड जो है वो किस तरीके से फाइंड करने हैं वो आपको अगर देखना है तो हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। इसके बाद में हम टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबिलिटी जो है यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे क्योंकि हमारा जीएसटी लगा हुआ है तो हम टैक्सेबल रखेंगे। और टैक्सेबिलिटी के एग्जम्प्ट और नील रिलेटेड क्या है हम हमारे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे, तो अभी के लिए हम टैक्सेबल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे नो ही रखने देंगे और यहाँ पे टैक्स टाइप में हम यहाँ पे डालेंगे 18%। पे जैसे ही आप 18% डालोगे तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स जो है वो 9% 9% से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों जीएसटी आपको सही सही डालना है, अदरवाइज आपका ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन है जीएसटी का वो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पे हम करेंगे एंटर एंटर और इसके बाद में इसको सेव करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे है टाइप ऑफ सप्लाई, तो टाइप ऑफ सप्लाई में हम डालेंगे गुड्स क्योंकि हमारा गुड्स परचेज कर रहे हैं। अगर आपका सर्विस होता तो आपको यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे हम गुड्स करेंगे। और इसके बाद में हम करेंगे कंट्रोल ए से ये क्रिएशन को हम करेंगे क्रिएट, तो यहाँ पे हमारा जो नेम ऑफ आइटम है वो क्रिएट हो गया है। बाद में हमें यहाँ पे डालना है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारा कितना है 4 है और रेट जो है वो 25200, तो यहाँ पे रेट क्वांटिटी हमारा है 4 और रेट जो है एंटर करके हम डालेंगे 25200। यहाँ पे हमने पीसेस में सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी में 4 पीसेस आपको आ गए। इसके बाद में एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो अमाउंट है वो आ जाएगी 100800। यहाँ पे आप देख सकते हो 100800 आ जाएगा। इसके बाद में हम एंटर करेंगे और हमारी दूसरी प्रोडक्ट जो है उसको हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे आईफोन 11 प्रो मैक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में तो वो प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, हम यहाँ पे उसको भी क्रिएट करेंगे। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसके बाद में हम करेंगे कंट्रोल अल्टर वी, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। हमने अंडर ग्रुप बनाया हुआ था जो आइटम @18%, तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पीसेस भी बनाए हुए हैं तो यहाँ पे हम करेंगे पीसेस को सिलेक्ट, एंटर करेंगे। इसके बाद में स्टेटरी डिटेल्स में आएंगे, जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे रहने देंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हमें यहाँ पे वाई प्रेस करना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालेंगे, जैसे हमने अगले वाली जो प्रोडक्ट थी आईफोन 6 वाली वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाई थी और कैसे डिटेल्स हमने फिल की थी वैसे ही यहाँ पे भरना है। तो हम यहाँ पे एचएसएन कोड डाल देंगे, इसका एचएसएन कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल अल्टर वी करके हम उसको करते हैं पेस्ट और यहाँ पे हम नो रहने देंगे। टैक्स डिटेल में हम ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों जीएसटी प्रॉपर आपका कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे टैक्स टाइप में 18%, हमारी जो ये प्रोडक्ट है दोस्तों वो 18% से मिली है तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में वो डिवाइड हो जाएगा। एंटर एंटर करके हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसके बाद में ये जो स्टॉक आइटम है उसको हम क्रिएट करेंगे, तो कंट्रोल ए करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आईफोन 11 प्रो मैक्स भी हमारा बन गया है। इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी और रेट, तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 है और 55820 में हमें ये मिला है, तो हम यहाँ पे करेंगे 255820 में हमें मिला है, तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दी है तो 211640 यहाँ पे आ गया और टोटल अमाउंट हो रही है 212440।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 212440 अमाउंट हमारी मैच हो रही है। इसके बाद में एंटर करके यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरी आइटम को सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज हम फिर से एक बार एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा और यहाँ पे हमें जीएसटी लगाना है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें CGST और SGST का जो लेजर है वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब आपका CGST और SGST तभी लगता है जब आपका लोकल सेल हो, माने कि आपके ही स्टेट में, जैसे कि मेरा गुजरात है तो गुजरात में ही मैंने परचेज किया है या सेल किया है तो CGST और SGST लगेगा। बट मानो कि मेरा गुजरात स्टेट है और मैंने महाराष्ट्र से परचेस या सेल किया है तो मुझे वहाँ पे IGST लगेगा। तो ये जो मेरा परचेस है वो मेरे स्टेट के अंदर ही है तो हम यहाँ पे CGST SGST लगाएंगे, हमारे इनवॉइस पे भी हमें CGST SGST देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे CGST को सिलेक्ट। अगर आपने CGST नहीं बनाया है तो हम पहले CGST SGST के लेजर बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे CGST। इसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस जो रहता है वो करंट लायबिलिटी रहता है दोस्तों। इसके बाद में आपको करना है टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में GST, क्योंकि हमारा ये GST है। इसके बाद में हम एंटर करेंगे। CGST है माने कि सेंट्रल टैक्स है दोस्तों, और SGST माने कि स्टेट टैक्स है। और अगर IGST लगता है दोस्तों तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हम CGST का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे टैक्स टाइप में डालेंगे सेंट्रल टैक्स। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हम कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम राउंडिंग मेथड में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और इसके बाद में हम एंटर एंटर करते हुए ये लेजर को क्रिएट करेंगे। तो हम जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा CGST के अकॉर्डिंग जो 9% था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके बाद में हमें एक दूसरा लेजर बनना पड़ेगा जो है SGST माने कि स्टेट टैक्स जो हमें लगता है वो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर मुझे यही लेजर को देखना है या फिर उसको अल्टर करना है तो यहाँ पे मैं करूंगी कंट्रोल एंटर, तो ये लेजर को मैं देख पाऊंगी। इसके बाद में हम यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे, GST रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे स्टेट टैक्स, एंटर एंटर करते हुए नॉर्मल राउंडिंग रहेंगे या फिर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो। इसके बाद में हम ये जो लेजर है उसको करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो CGST लग गया और SGST भी ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे दिख जाएगा और ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हम हमारे बिल में से भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारी जो अमाउंट है दोस्तों वो है 2,50,679.20। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2,50,679.20 यहाँ पे हमारी अमाउंट भी मैच हो जाएगी। तो हमें एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे GST ईवे बिल वगैरह में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें नो ही रखना है। एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है। ध्यान रखें नरेशन आप प्रॉपर डालिए दोस्तों। इसके बाद में हम ये एंट्री को करेंगे एक्सेप्ट। तो हमारी जो एंट्री है वो सेव हो चुकी है। अगर हमें वही एंट्री को देखनी है तो हम किस तरीके से देखेंगे, अभी जस्ट हमने उसको सेव किया है तो जब पेज अप करेंगे दोस्तों तो जो हमने एंट्री की हुई है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको पेज अप करना है तो वही एंट्री जो हमने अभी अभी की हुई है उसको आप तुरंत देख सकते हो। ये जो एंट्री है उसको आपको प्रिंट करनी है तो आप किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, कंट्रोल पी कर सकते हो दोस्तों और यहाँ पे हम आई प्रेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इनवॉइस है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। हम लोग यहाँ पे एस्केप करते हैं। हम लोग अभी देखते हैं कि हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे हमें कहाँ दिखेगी। तो हम एस्केप करके हुए बाहर जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले और यहाँ पे हम करेंगे अकाउंट्स बुक में जाएंगे और लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में हम अगर देखना है केमार्ट एंड कंपनी का तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केमार्ट एंड कंपनी। अभी जो हमने एंट्री की है वो यहाँ पे आपको दिखेगी और उसकी टोटल अमाउंट ड्यू भी आपको दिखेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको परचेज GST की एंट्री करनी है। अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम हमेशा ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने का दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको अगर टैली प्राइम सीखना है तो, और आप हमारी दूसरी चैनल को भी विजिट कर सकते हो जो है अकाउंटिंग सॉल्यूशन फॉर यू। वहां पे हम बहुत सारी अपडेट्स देते हैं, PF रिटर्न, ESIC रिटर्न, GST रिटर्न के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हम वहां पर भी देते हैं, तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।
दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते नए हमारे क्लास में कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।